Yes, dear student, heartily welcome in this video. बच्चों ये 9th क्लास के लिए है. क्लास 9, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस. रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशंस. तो बेटा हेयर आर टू केसेस. केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर सेकंड. यू नो वेरी वेल इन द डिवीजन रिमाइंडर बिकम जीरो और नॉट जीरो. इट इज कंटिन्यू. या तो रिमाइंडर जीरो बचता है या चलता रहता है. ये दो केसेस होते हैं ना डिवीजन में. तो केस नंबर फर्स्ट देखिए, 7/8. बेटा 7/8 का मतलब 7 को 8 से डिवाइड. ये मैंने डिवाइड किया है, देखिए ध्यान से. ये डिवाइड किया मैंने तो ये 0.875 आया. जैसे यू डिवाइड करके यहां रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, जीरो. रिमाइंडर यहां जीरो बच गया जब आप डिवाइड करोगे. देखिए ध्यान से तो क्या होता है, व्हेन रिमाइंडर इज जीरो देन डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग. केस फर्स्ट, जब रिमाइंडर जीरो होगा तो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग. तो ये दो केस है यहां पर. पहला केस है टर्मिनेटिंग का, कब, व्हेन रिमाइंडर इज जीरो, देखिए इस कंडीशन के अंदर. और केस नंबर सेकंड, 10/3. 10 को 3 से डिवाइड, ये मैंने डिवाइड किया हुआ है. ऐसे डिवाइड करते करते ये आ गया 3.333 एंड कंटिन्यू. इट इज कंटिन्यू, चलता रहता है, रिपीट हो रहा है. 3 ये रिपीट का सिंबल है हमारे मैथ के अंदर, ये लैंग्वेज में. ये आपने ध्यान रखना है. तो इसके ऊपर बार लगा दो, इसका मतलब ये है कि 3 इनफाइनाइट आएगा, चलता रहेगा, ये कंटिन्यू होता रहेगा. तो यहां बेटा रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आएगा. देखिए हेयर रिमाइंडर नेवर जीरो, नेवर, कभी भी जीरो नहीं आएगा. तो इस ऐसे को क्या कहते हैं, देन डेसिमल एक्सप्रेशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. रिकरिंग का मतलब रिपीटिंग. आप अपने मैथ में पढ़िए, पेज नंबर 8, 9, 10 ध्यान से रीड करिए. हेयर आर ओनली टू केसेस अबाउट द रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सप्रेशन. ओके, फर्स्ट केस इज व्हेन रिमाइंडर इज जीरो देन टर्मिनेटिंग, व्हेन रिमाइंडर नेवर जीरो देन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. दीज आर द टू केसेस ओनली अबाउट रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सप्रेशन. तो बेटा यू रीड केयरफुली पेज नंबर 8, 9, 10. दीज आर द इन दीज पेजेस दीज आर 3 एग्जाम्पल गिवन. प्लीज यू रीड केयरफुली. आई हैव एक्सप्लेन्ड हेयर अबाउट दीज टू एग्जाम्पल. ओके बेटा, इट इज टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. ओके, थैंक्स.